अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। पहले हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो हो गया था। आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो पहले बात के डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के लिए भी सेम मेथड जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने क्रूक्स ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया था, यहाँ पर भी सेम क्रूक्स ट्यूब एंड डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करेंगे, क्रूक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करेंगे। तो इसमें यही होगा कि यहाँ पर जो कैथोड होगा वो परफोरेटेड कैथोड होगा। वहाँ पर क्या था, एनोड्स बना हुआ था, उसमें कोई भी परफोरेशन नहीं था, मगर यहाँ पे कैथोड एज अ परफोरेटेड कैथोड यूज़ होगी। तो इसमें ये होगा कि ऑब्जर्वेशन ऑफ हमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव रेज हो जाएंगे, तो हम इसको पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज या प्रोटॉन्स नाम देंगे। पहले चलते हैं इसके जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है क्रूक्स ट्यूब का उसके ऊपर। ये इसका कंस्ट्रक्शन है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, ये क्या होता है लॉन्ग होता है, तो इसकी लेंथ कितनी थी 1 मीटर लॉन्ग होता है। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा बैटरी मींस हाई वोल्टेज सप्लायर, ये क्या है वैक्यूम पंप, इसमें हमने वैक्यूम पंप क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर ज़्यादा हो तो उस प्रेशर को करते हैं रिड्यूस करते हैं, मीन्स गैस मालिक उसकी प्रेशर क्या हुई रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ही प्रेशर रिड्यूस किया तो यहाँ से नेगेटिव रेज जिसको हम कैथोड रेज बोलते हैं वो यहाँ से निकल गए। जैसे कैथोड रेज यहाँ पे आ गए, यहाँ पे गैस मालिक्यूल्स पहले से ही क्या है मौजूद है, कहाँ पर यहाँ पर गैस मालिक्यूल्स मौजूद है। जैसे ही ये गैस मालिक्यूल्स टकराएंगे तो गैस मालिक्यूल्स क्या हो जाएंगे आयोनाइज हो जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा आयोनाइज होके ये किस में जाएगा प्लस, अगर एम है तो एम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स टकराएगा तो हाई रेडिएशन हाई एनर्जी वाला, तो एम किस में एम चेंज इन टू द एम प्लस, इसका रिएक्शन आप लिख लो तो यहाँ पे एम प्लस इलेक्ट्रॉन्स चेंज इन टू द एम प्लस, अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा एम प्लस आ जाएगा। तो ये पहले क्या है कैथोड है, ये क्या है हमारे पास एनोड पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है बैटरी से यहाँ पे शो होगा, मगर यहाँ से क्या है कि ये जैसे ही यहाँ से गैस मालिक्यूल्स जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स या हमारे पास जो है इलेक्ट्रोड रेज ये से यहाँ से कैथोड रेज जैसे टकराएंगे, तो कैथोड रेज यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ पे एम प्लस बन गया, वो एम प्लस कहाँ मूव करेंगे बैकवर्ड टुवर्ड दी कैथोड। यहाँ पे हमने क्या किया कि जिंक सल्फाइड, ये बात याद रखना यहाँ पे क्या है जिंक सल्फाइड की एक कवर लगाया था। जैसे ये रेज कहाँ पे इस कैनाल से मीन्स इस होल से निकल कर यहाँ पे पहुँचे तो इसको कैनाल बोलते हैं, होल को क्या बोलते हैं कैनाल, तो यहाँ पे क्या शुरू होता है फ्लोरेसेंस, मीन्स यहाँ पे ग्लो होना शुरू हो गया मीन्स लाइटिंग हुई। जैसे ही लाइट हुई इसने बोला कि ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं किस साइड से गैस आयनाइज होकर इस साइड पे आ रहे हैं, गैस जो आयनाइज होकर इस पास नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो ये नेगेटिव में क्या चार्ज होगा, ये कहाँ से गुजर रहे हैं होल से, यहाँ पे क्या ये होल है, तो इसने इसका नाम क्या दिया था कैनाल रेज। कैनाल का नाम क्यों पड़ा कैनाल, क्योंकि कैनाल होल को बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं सिमाल पोर या सिमाल होल को कैनाल बोलते हैं, तो उन लोगों ने नाम किया जाता इसका पहले कैनाल रेज दिया था। इसका डिस्कवरी का मेथड यही है। अब बात करते हैं किस तरीके से डिस्कवर हुआ था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या मौजूद था नियॉन गैस, क्या मौजूद था एग्जाम्पल के तौर यहाँ पे नियॉन गैस मौजूद था। जैसे यहाँ पे नियॉन गैस मौजूद था तो नियॉन गैस में कौन आया इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अगर टकराए तो इलेक्ट्रॉन्स टकराने के बाद नियॉन किस में चेंज हो गया नियॉन प्लस में, और प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स सेम दिस साइड पे मूव करेंगे और जो पॉजिटिव होगा वो इस साइड पे मूव करेंगे, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव रेज, ये पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी हुई पॉजिटिव रेज। अब इसने होल से पास हो रहे थे तो उसको नाम इसने क्या दिया कैनाल रेज दिया था, ड्यू टू पासिंग थ्रू द सिमाल होल उस वजह से इसको नाम दिया कैनाल रेज दिया। अब इसके फर्दर हम जाते हैं इसके मेथड्स के ऊपर, तो किस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने लिखा है द कैनाल रेज डिस्कवर्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस मौजूद है उसकी आयोनाइजेशन वजह से क्या आ गया पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज डिस्कवर होते हैं, नॉट फ्रॉम द एनोड्स, ये एनोड से डिस्कवर नहीं हुए, ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये एनोड से डिस्कवर नहीं हुए, एनोड से रेडिएशन नहीं आ रही, ये कहाँ से आ रहे हैं गैस मालिक्यूल्स प्रेजेंट इन द
डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस पॉलिकुल्स प्रेजेंट हैं उसके आयोनाइज होने की वजह से क्या मिल रहा है हमें, पॉजिटिव रेज मिल रहा है। उसको क्या नाम दिया था, कैनाल रेज नाम दिया गया था। और फर्दर इसके अगर प्रॉपर्टीज़ देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज। ये रेज जो होते हैं इनके प्रॉपर्टी में पहले ओवरव्यू करवाता हूँ, उसके बाद लिख के आपको समझाऊँगा। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्या होते हैं ये, मूव स्ट्रेट लाइन करते हैं। उसके बाद ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कैथोड रेज शो कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जिंक सल्फाइड मिला गया था, वो ग्लो होना शुरू हो गया था। इसकी इलेक्ट्रॉन मास रेशो सिमिलर होती है, लेस होती है देन दी इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो है डिपेंड करते हैं, कैनाल रेज डिपेंड अपन दी गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड करते वर्कर, कैथोड रेज डिपेंड नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो इसके मास है प्रोटॉन की पॉजिटिव रेज की 1836 टाइम्स क्या होती है, ग्रेटर देन दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स 1836 टाइम्स क्या होती है, ग्रेटर होती है। अब बात करते हैं इनके, लिख के आप लोगों को समझाता हूँ। प्रॉपर्टीज दे रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन और द डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल मैग्नेटिक फील्ड में, मगर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट किस टूवर्ड कैथोड, टूवर्ड कैथोड क्यों, बिकॉज दे हैव पॉजिटिव चार्ज, दे हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये हो गया इसके कुछ प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रॉन मास रेशो मीन्स चार्ज मास रेशो लेस देन इलेक्ट्रॉन मास रेशो। क्यों, क्योंकि मास ऑफ, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम ग्रेटर है, किससे, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई, उस वजह से ये क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स चार्ज मास रेशियो क्या होती है, कम होती है। 1836 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, तो उस वजह से इसकी चार्ज मास रेशियो क्या होती है, कम होती है। मगर उसके बाद भी आप लोगों को एक और बात समझाऊं कि चार्ज मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन मैक्सिमम किसके लिए होता है, मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास सबसे कम होती है। अगर हाइड्रोजन गैस का बात करें तो कहता है 2.016 होती है, तो अगर एटॉमिक का मास 1.08 होती है, तो क्या हो गया इसका मास, तो इस वजह से क्या लिखते हैं इसको, 0.08 होती है, 0.08 होती है। ठीक है, ये क्या हो गया, मास ऑफ दी हाइड्रोजन हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज हो गए। और एक बात लिखना चाहता हूँ कि कैनाल रेज डिपेंड अपॉन गैसेस प्रेजेंट इन ट्यूब के हिसाब से कैनाल रेज के सिर्फ ट्यूब के अंदर जो भी गैस फिल किया होता है उससे ये उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये हो गया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। और मेन बात मैंने जो आप लोगों को समझाया यही कि कैनाल रेज डिस्कवर्ड बाय दी आयनाइजेशन ऑफ गैस नॉट फ्रॉम दी एनोड्स, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम दी एनोड्स, वो एनोड्स से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसका एक सिंपली स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को शेयर करूँगा, वो आप लोग शायद पहले स्क्रीन से शेयर हो गया हो, अभी भी दूसरी बार भी आप उसको रिव्यू करके वहाँ पर देख लेना कि ये किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव कैथोड एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, आज के लेक्चर का पार्ट नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहले आप लोगों को इसका सिंपली लेक्चर समझाता हूँ कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स किस वजह से हुए, किस तरीके से हुआ। जैसे ही कि इसका रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ बताया था, किस मेथड पर उसने बताया था, बिफोर देन 1932 से पहले किसी को भी न्यूट्रॉन्स का पता नहीं था। तो रदरफोर्ड ने जब 1920 में एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके बाद इसने बोला कि एटम्स के अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं,
क्यों होते हैं? क्योंकि जो इसका मास है, एटॉमिक मास, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वजह से नहीं है, कुछ और एलिमेंट्स हैं जो न्यूक्लियस में या कहीं पर मौजूद हैं, जिसके वजह से क्या होती है उसमें, उसके वजह से इसकी मास क्या होती है, इक्वल आती है, अदरवाइज़ के मास एटम्स के इक्वल नहीं होगी। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से इसकी मास नहीं है। तो उसके बाद 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जेम्स चैडविक ने, उसने क्या कहा था कि पोलोनियम मेटल है, उसे जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट हुए तो वो बेरिलियम एटम्स के ऊपर टकराए, जैसे ही बेरिलियम एटम के ऊपर टकराने के बाद वहाँ से न्यूट्रॉन पार्टिकल्स इमिट आउट हुए, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स इमिट आउट हुए। तो उसने बोला कि ये जो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स इमिट हुए, ये न्यूट्रॉन पार्टिकल्स क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं। डिस्कवर बाय न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। बिफोर 1932 नथिंग वाज नोन अबाउट द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इन 1920 रदरफोर्ड सेड दैट एटम मस्ट हैव न्यूट्रल पार्टिकल्स, उसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट ड्यू टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इसका जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है। तो जेम्स चैडविक में 1932 में एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट का कंस्ट्रक्शन यही था कि इसने लीड ब्लॉक लिया, लीड ब्लॉक में इसने क्या किया, पोलोनियम एटम्स और यहाँ पे क्या किया, बेरिलियम एलिमेंट्स। इसने जैसे ही पोलोनियम एटम्स से अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट हुए, क्या इमिट हुए, अल्फ़ा पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट होते ही यहाँ पे क्या, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल्स निकल गया, एन न्यूट्रॉन, चार्ज ज़ीरो, मास वन, चार्ज ज़ीरो। तो ये डायरेक्ट कहाँ पे आ गया, चार्ज डिटेक्टर के ऊपर। जैसे ही चार्ज डिटेक्टर ऊपर आया, चार्ज डिटेक्टर ने शो किया कि नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। मगर इसने देखा कि फर्दर इसने इस एक्सपेरिमेंट को वैक्स के ऊपर किया, यहाँ पे चार्ज डिटेक्टर रखकर कहाँ पे चार्ज डिटेक्टर को हटा के इसने यहाँ पे वैक्स लगाया, तो देखा कि ये वैक्स से क्या हो रहे हैं, क्रॉस, और वैक्स वाटर पैराफिन एनी थिक और सेल्यूलोज इनसे क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। तो इसने बोला कि ये पार्टिकल्स ऐसा पार्टिकल्स जिसमें क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो नो चार्ज के वजह से, बिकॉज इट पसेस नो चार्ज, न्यूट्रल क्यों नाम दिया, यहाँ पे लिखते हैं न्यूट्रल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नाम क्यों, बिकॉज नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं था। तो चार्ज ना होने के वजह से इसको क्या देना नाम दिया गया था, न्यूट्रॉन इसका नाम दिया गया था, तो बिकॉज ऑफ नो चार्ज। यहाँ आपको राइटिंग समझ में आ रही क्या, नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, बिकॉज ऑफ नो चार्ज, उसमें कोई भी चार्ज नहीं था, उस वजह से इसको क्या कहा गया था, न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब इसके रिएक्शंस लिखता हूँ, रिएक्शंस का किस तरीके सा था, ये बेरिलियम 4-9 प्लस, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा पार्टिकल्स, क्या अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार हो गया, अल्फ़ा पार्टिकल्स किसको लेते हैं, He2-4। तो यहाँ पे क्या, कार्बन्स 6-12 और प्लस न्यूट्रॉन पार्टिकल्स, आप एन के ऊपर लिखते हैं, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा था, ये एन के ऊपर होता है 1, तो मीन्स ये क्या है, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। इस न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया था, न्यूट्रॉन। तो ये डिस्कवर किया था किसने, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक वाज अ फिजिस्ट था, मीन्स फिजिक्स का साइंटिस्ट था, और इसको नोबल प्राइज कब मिला था, 1935, इसको 1935 में क्या मिला, नोबल प्राइज इन फिजिक्स में मिला था। तो ये क्या होगा, इसका रिएक्शंस हो गया, तो मीन्स बेरिलियम, अल्फा पार्टिकल्स, कार्बन 6-12 और इसके बाद न्यूट्रॉन पार्टिकल्स क्या हो गया था, इमिट्स हो गया था। ये डिस्कवरी था किसका,
जिसको था न्यूट्रॉन्स का। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन नो चार्ज, तो इसलिए हम इसको एन ज़ीरो लिखते हैं। नो डिफ्लेक्शंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से शो किया जाता है और बी को मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो किया जाता है, तो मीन्स दोनों में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई चार्ज है ही नहीं। उसके बाद उसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। पेनिट्रेटिंग पावर से क्या होती है? हाई होती है। यहाँ पे लिखा है फ्री न्यूट्रॉन डीके इनटू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, मगर आपके फेडरल के बुक में इसको लिखा हुआ है न्यूट्रिनो। न्यूट्रो नहीं होता यहाँ पे, एंटी न्यूट्रिनो होता है। किस वजह से? यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस ये क्या हो जाता है, अगर ये क्या हो जाए डीके हो जाए, डीके मीन्स इनहेल मीन्स टूट जाए, तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस क्या आ जाता है वन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मैं देखता हूँ वन इलेक्ट्रॉन प्लस में क्या निकलता है इसमें से एंटी न्यूट्रिनो। इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे इसको गामा बनाइए, एंटी न्यूट्रिनो इसको बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो की साइन। तो ये क्या होता है एंटी न्यूट्रिनो, मीन्स न्यूट्रॉन अगर फ्री न्यूट्रॉन्स डीके हो जाए तो वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में से निकल जाते हैं। दूसरी बात के मैंने आप लोगों को जो पहले था उसमें समझाया था, सेम स्लाइड्स लेके आता हूँ। इसमें क्या था, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे पैराफिन मैंने लिखा, तो पैराफिन से ये क्या हो गया था पास हो गए थे। कौन पास हो गया था? वाटर। वाटर और पैराफिन या सेल्यूलोज से कौन पास हो गया था? ये हमारे पास न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन पार्टिकल्स जैसे यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पे क्या शो हो गया था? प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी इतना था कि इस पैराफिन से वाटर से किसी से भी वाटर को क्या कर रहा था? एजेक्ट आउट कर रहा था। वाटर क्या हो रहा था? एजेक्टेड हो रहा था, मीन्स ये क्या था? फास्ट था। और उसके बाद फर्दर यहाँ पे अगर वेन न्यूट्रॉन्स ट्रेवल विथ एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर मोर, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स इसको इस तरीके से 1.2 इन 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये एनर्जी हो तो उस एनर्जी इस न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन। अगर इसकी एनर्जी क्या हो जाए? कम हो जाए, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पे लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्लो न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनका दे शो दी नो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स। और उसके बाद जब न्यूट्रॉन्स यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाए? प्रोजेक्टाइल तो यूज़ किया जाए तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियर रिएक्शंस करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियर रिएक्शंस, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे न्यूट्रॉन एज अ प्रोजेक्टाइल मीन्स न्यूट्रॉन्स एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ हो रहा है, मीन्स इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड कर रहे हैं। न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या मिलता है? बोरॉन 5 and 11 मीन्स रेडियो एक्टिव बोरॉन और प्लस हीलियम न्यूक्लियर मिल रहा था, मीन्स ये क्या हो गया? न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हो कॉपर मेटल के साथ, कॉपर मेटल के ऊपर इमिट हो जाए तो ये बीटा रेज इमिट करेगा, वो भी लिख के समझाता हूँ। और अगर मैंने बोला स्लो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के ऊपर बम्बार्ड हो जाए, कॉपर ऊपर के बाद ये क्या आ गया? स्लो न्यूट्रॉन अगर इसके ऊपर क्या होगा? बम्बार्ड हो जाएगा तो जिंक मेटल्स और यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स इमिट होगा। बीटा रेज बोल सकते हो या बीटा पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। बीटा रेडिएशन क्या होगी? इमिट हो जाएगी। बीटा रेडिएशन की चार्ज क्या होगी? -1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की। कल से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ निकोलस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।